टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का दुनिया के सबसे आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाजों में नाम गिना जाता है। ये कहा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट को बेक ऑफ अंदाज में खेलना आखिर उन्होंने ही सिखाया है। वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में कई सारी यादगार पारियां खेली हैं। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 309 रनों की पारी को आखिर कौन भूल सकता है। इस यादगार पारी के बाद सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाने लगा। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने वीरेंद्र सहवाग को एक बड़ा सम्मान दिया है। सहवाग को ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है। सहवाग के अलावा भारतीय महिला टीम की पूर्व खिलाड़ी डायना एंडुलजी और श्रीलंकाई दिग्गज खिलाड़ी अरविंदा डिसिल्वा को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ ही हॉल ऑफ फेम से शामिल होने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या अब 112 हो गई है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को जुलाई 2019 में यह सम्मान पहले दिया जा चुका है। 2018 में राहुल द्रविड़ और 2015 में अनिल कुंबले को भी ये सम्मान मिला था। बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को साल 2009 में शुरुआती ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो वहीं कपिल देव को साल 2010 में इस सम्मान से नवाजा गया। 45 साल के वीरेंद्र सहवाग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं ICC और जूरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्रिकेट बॉल को हिट करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। अपने जीवन में इस काम को करने के लिए बेहद आभारी महसूस करता हूँ। मैं अपने परिवार, दोस्तों, साथी खिलाड़ियों और फैंस को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। वीरेंद्र सहवाग ने कुल 104 टेस्ट मैचों में 8,586 रन बनाए जिनमें 23 शतक भी शामिल हैं। वीरेंद्र सहवाग का हाई स्कोर 319 रहा जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। वह 213 शतक लगाने वाले टीम इंडिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो वीरेंद्र सहवाग ने 15 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 8,283 रन बनाए हैं। वनडे इंटरनेशनल में सहवाग का हाईएस्ट स्कोर 219 रहा है। इसके अलावा 19 T20 इंटरनेशनल मैचों में सहवाग के नाम पर 394 रन भी दर्ज है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।